जी मैडम, आप सरकार से पहुंचे हैं यहाँ पर और आप प्रदेश सचिव हैं भाजपा पार्टी में, तो इस दुख की घड़ी में इस परिवार को सरकार की ओर से क्या आप आश्वासन देंगे और क्या आप इनकी मदद करा सकते हैं? ये जो हमारी बहन है, ये हमारे भाई हैं, इनकी इस दुख की घड़ी में वैसे मुझसे बोलना नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी सरकार से, वैसे तो सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर आए भी थे, जो भी आश्वासन दे के गए हैं, हम भी अपनी तरफ से हमारे जो सीएम साहब हैं उन तक मैसेज पहुँचाएंगे, या हमारी अध्यक्ष है सुमित्रा डांगी जी, उनको भी बोलेंगे कि उनको आर्थिक सहायता दिलवाई जाए, क्योंकि ये बच्चे गरीब परिवारों से हैं और इससे बड़ा तो हादसा मेरे ख्याल में कोई हो ही नहीं सकता गरीब आदमी के लिए। एक तो मैं तो अपील करती हूँ अपनी सुमित्रा डांगी जी से कि मेरे माध्यम से आप सीएम साहब को ये मैसेज दें कि गरीब परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए। मैडम, जैसे कि इस पानी ने पूरे इलाके के साथ एक इतना बड़ा हादसा किया है, किसान मजदूर हर एक व्यक्ति परेशान हुआ, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम इस बाढ़ के पानी ने दिया है, किसी का घर गिर गया, किसी का परिवार बर्बाद हो गया, हर एक जगह शोक है पूरे इलाके में जी। तो इन व्यवस्थाओं को देखते हुए क्या सरकार कर पाए? देखिए राजेश जी, एक बात मैं बताऊं आपको, यहाँ पे हमारे मौजूदा सरकार के दो मंत्री हैं और एक विधायक है, और साथ में जो नगर परिषद का जो हमारा है चेयरमैन है वो भी हैं, सभी अपने अपने तरीके से सभी लगे हुए हैं। ये तो देखो प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो ये इंसान से परे है, लेकिन फिर भी जो हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं जिस तरीके से भी जिस भी प्रकार से वो लोगों की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। तो देखा जाता है कि आश्वासन ऐसे नजर आता है कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि शायद मेरे ख्याल में सरकार को जल्द इसमें एक्शन ले लेना चाहिए। देखिए राजेश जी, मैं भी इशाबाद में जिस दिन से ये प्राकृतिक आपदा आई है उस दिन से लेके आज तक मैं भी गांव में हूँ, इशाबाद में भी हूँ, मैं घरों में भी जा रही हूँ। मैंने देखा है कि हमारे सभी जितने भी भाई हैं, बंधु हैं, जितने लगे हुए हैं, जो कैपेबल हैं, जो सब जो कर सकते हैं, वो अपने अपने तरीके से, हमारी संस्थाएं हैं और जितने भी हैं अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। हम किसी को देखो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपदा किसी एक इंसान की नहीं है, मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा के ऊपर ये संकट छाया हुआ है। तो देखा जाता है मैडम कि जो नदियों के बांध हैं, या सीवरेज की बात की जाए, या इलाके में जहां से भी नदी गुजरती है, इन व्यवस्था को पहले से ठीक किया जा सकता था, देखो लेकिन वो नहीं किया गया। ये बात नहीं है राजेश जी, सूखा है, कहीं पानी नहीं है, ये एक शाहबाद और बात की जाए अंबाला और कुरुक्षेत्र, यहाँ तक पानी है, पानी इसके बाद आगे जाता। देखो प्रशासन है, हर डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग भी है, अपने अपने तरीके से, ऐसी बात नहीं है, कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन एकदम अचानक जो चीज होती है इसमें आदमी खुद एकदम पजल हो जाता है कि वो क्या करे। ठीक है मैडम, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, शाहबाद की राजनीति शाहबाद से शुरू होती है, शाहबाद के पुल के नीचे जहाँ एक विधायक का कार्यालय भी है, वहाँ के पानी की निकासी आज तक नहीं कर पाए, क्या ये पूरे इलाके की निकासी कर पाएंगे? मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहती हूँ राजेश जी, अगर आप स्पष्ट सुनना चाहते हैं, ठीक है, शाहबाद में मैं भी कैंडिडेट हूँ, मुझे बनाओ आप, मैंने एक बात सोची हुई है, लंदन पेरिस की तरह मैं पानी की और ये जो नगर नाले हैं ना, इनकी सुविधाओं को दुरुस्त करवाऊंगी। जी माता जी, ये इतनी बड़ी घटना हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, मेरा तो बच्चा चला गया, मेरा इतना बड़ा बच्चा भग गया, क्या कहना चाहेंगे माता जी इस घटना के बारे में? इतने यहाँ पे सरकार के लोग आए, क्या उन्होंने आश्वासन दिए? सरकार का नाम भी बहुत माड़ा होया था, जो मेरे पास है तो वही करांगे। क्या घटना हुई थी कि अचानक तीन बच्चों की जान बाढ़ में चली जाती है? मरकंडे में घटना
सराम मार्केट नदी के वहाँ पौड़ी के पास ही थे, तो उसमें दो छोटे बच्चे पहले ही बीच में नहा रहे थे। तो उनमें से वो दोनों बच्चे थोड़ी देर बाद वहाँ ईंटों की कोई चट्टा लगा हुआ है उसके ऊपर चढ़ गए दोनों बच्चे। एक बच्चे ने तो ऊपर जिस तरफ पानी कम है उस तरफ छाल लगाई और दूसरे ने बहते पानी की तरफ छाल लगाई। उसको बचाने के लिए हमने, मैं और गुरप्रीत, हम दोनों ने छाल लगाई। जैसे हमने उसको बचाया बच्चे को और बाहर की तरफ फेंक कर धकेला उसको, हमें धक्का लगा उसको, हम दोनों भी साथ पानी के बह गए, बच्चा बाहर आ गया। तो हमें बचाने के लिए तीन बच्चे थे जो बह गए, ये भी हमारे साथ आ गए। पानी का बहाव कितनी तेज गति से? पानी का बहाव बहुत ज़्यादा, बहुत तेज गति के साथ। तो आप जैसे पांच व्यक्ति एकदम अचानक कूदे, तो कहाँ तक आप मारकंडे में जा चुके? मारकंडे में गुरप्रीत तो रेलवे लाइन के ब्रिज के नीचे थे, वहाँ पे रुके और मैं रेलवे लाइन क्रॉस कर गया। तो आप कैसे निकले, कैसे बचाओ? बचाव तैरना तो आता नहीं है सर, तो वो थोड़ा बहुत जब जाड़ी दिखी मेरे को आसपास, तो मैं जाड़ी की तरफ हाथ पैर चलाए तो वहाँ पे जाड़ी पकड़ी और ऊपर आए। तो क्या जो आप पांच व्यक्ति एकदम पानी में बह गए, क्या एक ही साथ एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ था या कैसे था? तीनों का हाथ पकड़ा था, बाद में जब हम डूबे ना जी तो इन तीनों ने भी हमारा हाथ पकड़ लिया जी। फिर बाद में गुरप्रीत और मेरा हाथ अलग अलग हो गया, ये तीनों एक साथ ही रह गए, इनके हाथ अलग नहीं हुए। जैसे आप वहाँ पे कावड़ लेकर पहुँचे, तो प्रशासन की ओर से क्या सुविधाएं वहाँ पर मौजूद थी? प्रशासन की तरफ पानी में कोई सुविधा नहीं है सर, मारकंडे की तरफ से। अक्सर वहाँ बच्चे कूदते रहते हैं, तेज पानी में कूदते रहते हैं जी, ऊंचे पुल से छाड़ लगाते हैं जी। तो उनके बचाव के लिए कोई किश्ती वगैरह आपको? कोई प्रशासन की कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे बचाव के लिए, इस घटना से ना ही वहाँ पे कोई सिक्योरिटी है अभी उसको, बच्चों को वहाँ पे तैरने के लिए रोक के। तो इस घटना को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा हादसा आप लोगों के साथ घटित हुआ और तीन आपके साथ बिछड़ गए पूरी जिंदगी से, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के लिए? हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि वहाँ पे बच्चों को नहाने के लिए कोई भी हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम करे, उनको रोक के, और वहाँ पे प्रशासन कोई किश्ती वगैरह का भी इंतजाम करे। या फिर छोटे बच्चों के लिए क्या किया जाए जो वहाँ पे नहाते हैं, पैसा चुनते हो? वही सिक्योरिटी दे, प्रबंध बैन लगाना चाहिए वहाँ पे नहाने के लिए तेज पानी में। जी क्या मांग करते हैं प्रशासन से? आगे प्रशासन से